क्या सरकार में नहीं हो रही है विधायक शिव अरोरा की सुनवाई? विधायक शिव अरोरा की अनदेखी क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी? रुद्रपुर विधायक की मांग को क्यों इग्नोर किया सरकार ने? मुख्यमंत्री धामी के क्यों गले नहीं उतरी विधायक शिव अरोरा की बात? झील और पार्क को खत्म करके कौन सा विकास करना चाहते हैं विधायक शिव अरोरा? जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा विधायक शिव अरोरा का काम? सरकार और मुख्यमंत्री धामी ने आखिर क्यों खारिज की रुद्रपुर विधायक की फरियाद? लाखों की लागत से एक कृत्रिम झील बनाई गई थी, जो मेरे टाइम के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, अगर उनको कोई समाप्त करने की कोशिश करेगा तो लड़ाई में सड़क पर भी लड़नी पड़ेगी। तो इस तालाब को पाट कर आखिर शिव अरोरा जी क्या बनाना चाहते? जो मेरे प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं वो शहर के हित में बने, उस प्रोजेक्ट को कोई भी छेड़ेगा वो कभी सफल नहीं। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ रुद्रपुर की लेक पैराडाइज झील पर, जिसकी लीज की अवधि शासन के द्वारा 10 साल बढ़ा दी गई है। रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा जी इस झील की अवधि समाप्त करके यहाँ खूबसूरत पार्क या इस पूरी जगह का कॉमर्शियल यूज चाहते थे। इस बाबत शिव अरोरा जी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेटर लिखा था और पेशकश की थी कि इस कृत्रिम झील को समाप्त कर दिया जाए और इसकी जगह इसकी ज़मीन को पार्क या अन्य कॉमर्शियल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए। शिव अरोरा की बात को खारिज किया है सरकार ने और पुनः एक बार 10 साल के लिए इस पूरी झील की लीज की अवधि को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा को एक करारा झटका लगा है। शिव अरोरा की मांग को खारिज करते हुए सरकार ने रुद्रपुर की लेक पैराडाइज झील की लीज की अवधि 10 साल के लिए बढ़ा दी। जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में नए तालाब खुदवाने व पुराने जल स्रोतों के संरक्षण का आह्वान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा ने 11 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मांग पत्र देकर रुद्रपुर की एकमात्र लेक पैराडाइज झील की लीज का नवीनीकरण ना करने की मांग की थी। रुद्रपुर और उसके आसपास के इलाके में कहीं पर भी इतना बड़ा तालाब या झील मौजूद नहीं है जहां पर लोग इत्मीनान से आकर अपने समय को गुजार सकें, कुछ समय अपने लिए दे सकें और प्रकृति के साथ जुड़ सकें। लेकिन शिव अरोरा जी का आरोप यह है कि इस लेक पैराडाइज झील में अवांछनीय गतिविधियां होती हैं और इसका राजस्व भी ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है, लिहाजा इसको ख़त्म कर देना चाहिए और यहां पर कॉमर्शियल गतिविधियां होनी चाहिए। वो कॉमर्शियल गतिविधियां क्या होंगी? इस तालाब को पाट कर आखिर शिव अरोरा जी क्या बनाना चाहते हैं, ये उनको स्पष्ट करना होगा, क्योंकि ये खूबसूरत झील वेशक उत्पादक की स्थिति में ना हो लेकिन पर्यावरण संतुलन के मामले में, जल संरक्षण के मामले में और लोगों को घूमने फिरने और मनोरंजन का एक साधन तो ज़रूर दे रही है। सूत्र बताते हैं कि विधायक शिव अरोरा व लीज धारक ठाकुर अश्विनी सिंह में 36 का आंकड़ा है। मनमुटाव के चलते शिव अरोरा ने मुख्यमंत्री से लीज का नवीनीकरण ना करने की मांग की थी। जबरदस्त भीतरी रस्साकसी में अश्विनी सिंह एक बार फिर लीज कराने में कामयाब रहे हैं। सरकार ने शिव अरोरा की मांग को खारिज करते हुए 10 साल के लिए लीज की अवधि बढ़ा दी है। बता दें कि 2013 से अश्विनी सिंह लेक पैराडाइज झील के लीज धारक हैं। कुल 25 एकड़ जमीन में से करीब 10 एकड़ में कृत्रिम झील है, शेष में पार्क, फुलबाड़ी, रेस्टोरेंट, पार्किंग एरिया है। उत्तराखंड की पहली चुनी हुई सरकार में रुद्रपुर के विधायक तिलक राज बहड़ जी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उनके कैबिनेट मंत्री रहते सन 2002 से 2007 के बीच में इस लेक पैराडाइज झील का निर्माण कराया गया था। तो ये झील जब मैं यहाँ से निकलता था तो मैं देखता था अवैध खनन होता है और जो लड़के, बिगड़े हुए लड़के और ख़ासकर जो नशे के आदि थे वो वहाँ पर बैठ कर नशा करते थे और अवैध खनन की ये स्थिति थी कि डल्लब वाले जाते थे और वहाँ से अवैध खनन निकाल निकाल के, और गड्ढे गड्ढे थे और ये पूरी जगह जो है ऐसी पड़ी हुई थी। मुझे लगा कि एक ना एक दिन इस पर अवैध कब्जे हो जाएंगे,
तो मैं पर्यटन मंत्री से उस समय मिला, मैंने कहा कि साहब यहाँ एक झील बन सकती है, तो सिंचाई विभाग को मैंने पर्यटन विभाग से आदेश कराए और सिंचाई विभाग ने इसका इस्टीमेट तैयार कराया, इस्टीमेट बना इसका और पर्यटन विभाग द्वारा पैसा सिंचाई विभाग को दिया गया और सिंचाई विभाग ने इसको तैयार किया। बड़ी मेहनत करनी पड़ी। विधायक शिव अरोरा लेक पैराडाइज क्षेत्र का कमर्शियल यूज चाहते हैं। इससे पहले वे गांधी पार्क में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की बात भी कर चुके हैं। दोनों ही मांगों में शिव अरोरा फंस चुके हैं। गांधी पार्क में बिल्डिंग निर्माण की बात पर उनका तीखा विरोध भी हुआ था। सवाल उठता है कि आखिर झील और पार्क समाप्त करके शिव अरोरा कौन सा विकास करना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि 1.5 साल में विधायक शिव अरोरा का कोई भी काम जमीनी स्तर पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है। शहर के अंदर बीचों बीच इतनी सुंदर जगह है, अगर विधायक जी की इसी सोच है तो मैं विधायक जी से बात करूंगा शिव अरोरा इसे कि आप ये तो झील एक सुंदर शहर के लिए कितनी आकर्षक है जी। उसको और उल्टा जो इधर की नदी जा रही कल्याणी व्यू उसको सुंदर बनाने की जरूरत है, आप उसको सुंदर बनाइए ना। जैसे गांधी पार्क है, मैं सुन रहा हूँ कि प्राधिकरण उसके अंदर मल्टी स्टोरी बनाने जा रहा है। अरे जो चीज़ें बच गई हैं शहर के अंदर उसको तो संरक्षण की आवश्यकता है, चाहे सम्मानित विधायक जी हों चाहे वो अधिकारी हों। नहीं होनी नहीं चाहिए, मैं तो उनसे भी ये बात कहूँगा, उनसे भी व्यक्तिगत बात करूँगा और जरूरत पड़ेगी तो विरोध भी करेंगे। अभी तो उनसे बात, कारण ये कि गांधी पार्क एक शहर की एक पार्क बचा है, क्या उस पार्क को हम खत्म करना चाहते हैं? पर्यावरण के हम विरोधी हैं क्या? पेड़ लगे हैं वहाँ, हवा है, लोग सभाएं करते हैं, जनसभाएं होती हैं, खेल कूद होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी वो लगती हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। ऐसी खूबसूरत झील को समाप्त करके, इसके लीज को ख़त्म करके शिव अरोरा जी आखिर यहाँ क्या बनाना चाहते थे, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। ये झील वेशक आर्थिक उपार्जन का साधन ना बन रही हो, लेकिन पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण और लोगों को आनंद देने में, मनोरंजन करने में भरपूर सहायक है। शिव अरोरा की ये पेशकश कि लेक पैराडाइज झील को समाप्त कर दिया जाए और इसके एरिया को कॉमर्शियल गतिविधियों में इन्वॉल्व किया जाए, ये बात शहरवासियों के गले नहीं उतर रही है, शायद सरकार के गले भी नहीं उतरी। इसलिए अश्विनी सिंह को 10 साल के लिए पुनः ये लेक पैराडाइज झील लीज पर दे दी गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए अश्विनी आवाज़ के साथ।